Hi guys, this is your trusted real estate guide Abhay. और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल प्रोजेक्ट का रिव्यू लेके आया हूँ. ये गुड़गांव मार्केट का सबसे मोस्ट अवेटेड प्रोजेक्ट है पिछले 2-3 साल का. दिस प्रोजेक्ट इज सिग्नेचर ग्लोबल प्राइम इन सेक्टर 63A. ये प्रोजेक्ट की जो लोकेशन है वो इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी USP है. ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है सेक्टर 63A में, जो कि गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के बिल्कुल प्राइम एरिया में लोकेटेड है. इसके आसपास आयरियो, कॉन्शन, पारस, टाइम, पाइनियर, बहुत सारे लग्जरी प्रोजेक्ट्स हैं. इस एरिया का जो एवरेज वेटेड प्राइस है दैट इज़ फ्रॉम 8,000 to 10,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट. तो उस हिसाब से इस एरिया में आपको अगर 4,000 रुपये स्क्वायर फीट पर प्रॉपर्टी मिल रही है, वो भी कार्पेट एरिया पे, तो आप समझ सकते हैं कि उसकी क्या वैल्यूएशन होगी. जहाँ तक कि इस ग्रुप के क्रेडेंशियल्स की बात है, तो सिग्नेचर ग्लोबल एक बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी है. 5-6 साल में इन्होंने अपनी बहुत अच्छी रेप्यूटेशन बना ली है मार्केट में. सारे प्रोजेक्ट इनके टाइम पे चल रहे हैं, प्रोजेक्ट इनके डिलीवर्ड भी हैं. 800 करोड़ की इनको इंस्टीट्यूशनल फंडिंग भी मिल चुकी है. आगे ये IPO वगैरह भी प्लान कर रहे हैं. बहुत सारे और प्रोजेक्ट भी इनके पाइपलाइन में है. लग्जरी हाउसिंग में भी ये लोग ऑलरेडी उतर चुके हैं. तो जहाँ तक ग्रुप के क्रेडेंशियल्स की बात है, आप इस ग्रुप पे ट्रस्ट कर सकते हैं. जहाँ तक कि इस प्रोजेक्ट की बेसिक डिटेल्स की बात है, ये प्रोजेक्ट 5 एकड़ में है. टोटल यहाँ पे 720 अपार्टमेंट है कंपनी के पास. 2 BHK के फ्लैट है, 4 टाइप के, जो कि आप ड्रॉ में अप्लाई कर सकते हैं. बाकी 3 BHK के अपार्टमेंट हमेशा की तरह यहाँ पे मैनेजमेंट कोटा में है. 663 से लेके 678 स्क्वायर फीट तक इसमें एरिया है. 23.40 लाख का मिनिमम अपार्टमेंट है. और इस अपार्टमेंट में जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी कि सारे के सारे लेआउट में इन्होंने किचन के साथ यूटिलिटी एरिया दिया है, जो कि आजकल मुझे लगता है कि बहुत एक अच्छी पहल हुई है अफोर्डेबल में, जो कि सारे बिल्डर्स प्रोवाइड करने लगे हैं. हाँ, बेडरूम साइजेस वही 10x10, 10x11 हैं, जो कि एक अफोर्डेबल का हमेशा चैलेंज रहता है. लेकिन वही बेसिक स्पेसिफिकेशन है, वही बेसिक जो आपकी एमिनिटीज़ होती है जो सारे अफोर्डेबल में हैं, वही आपको इस प्रोजेक्ट में मिलेंगी. तो उन चीज़ों में ये प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि एवरेज है. लेकिन एक जो एक्स्ट्रा आपकी बैल्कनी है यूटिलिटी एरिया किचन के साथ, वो इस प्रोजेक्ट में मेरे को बहुत अच्छा लगा. एज फार एज लिवेबिलिटी इंडेक्स इज कंसर्न, सिग्नेचर ग्लोबल प्राइम एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है. बिकॉज ये बिल्कुल डेवलप्ड एरिया में है. यहाँ पे सुशांत लोक पास में है, एग्जिस्टिंग मेट्रो पास में है, बहुत सारे एस्टैब्लिश कमर्शियल्स हैं, स्कूल, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, सारी चीज़ें बिल्कुल क्लोज विसिनिटी में है. तो अगर मैं लोकेशन से ही कहीं ना कहीं आई थिंक लिवेबिलिटी इंडेक्स कनेक्टेड होता है, तो दोनों एस्पेक्ट में आई थिंक ये प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा है. सो गाइस, अगर मैं इस प्रोजेक्ट की आपके लिए ओवरऑल रेटिंग करूं, तो चाहे वो लोकेशन हो, चाहे वो बिल्डर के क्रेडेंशियल्स हो, चाहे वो लिवेबिलिटी इंडेक्स हो, चाहे वो लेआउट और एमिनिटीज़ हो, हर एस्पेक्ट में मुझे ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगा. बहुत सारे लोग इस प्रोजेक्ट में ऑलरेडी अप्लाई कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि जिसका भी इस प्रोजेक्ट में फ्लैट निकल जाएगा, जब तक पोजेशन आएगा, यू नो द प्रॉपर्टी प्राइजेज विल यू नो एटलीस्ट गो अप बाई 2 to 2.5%. तो दिस इज़ वन ऑफ दोज प्रोजेक्ट गाइज जिसके लिए लोग बहुत साल वेट करते हैं, इस टाइप की लोकेशन के लिए, इस अच्छे बिल्डर के लिए. तो आई होप आप लोगों ने, जिसने भी इसमें अप्लाई किया है, उन सबका इसमें प्रोजेक्ट निकल जाए. मैंने भी इसमें एप्लीकेशन डाली है अपनी फैमिली की तरफ से. सो गाइज, इसी तरीके से मैं आगे आपको दोबारा मिलता रहूँगा, आके दोबारा किसी नए प्रोजेक्ट के रिव्यू के साथ, किसी और रियल एस्टेट के टॉपिक को लेके. प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, रियलिटी रिव्यूज को, फॉर वीकली रिव्यूज एंड न्यूज़ अबाउट रियल एस्टेट इन दिल्ली NCR. सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम.